हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा जो 11th चैप्टर है क्लास 8th का, उसके कीवर्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट कीवर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर, मतलब ऐसा प्रेशर जो कि एयर के द्वारा लगाया जाता है अराउंड अस और जो कि हमारे चारों तरफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सेकेंड कीवर्ड है कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं, उसको हम लोग जो हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी। तो कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स जो कि एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पे लगाया जाता है, इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे है हमारा फोर्स। फोर्स क्या होता है? ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना जो किसी बॉडी पे लगता है, विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे हो या फिर मोशन की पोजीशन पे हो, उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाए या मोशन में हो तो वो रेस्ट में आ जाए, ऐसी जो है इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पुश और पुल को क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोजिज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होता है उसके मोशन को अपोज करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। और जो है फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके मोशन को अपोज करता है। फिर सिक्स्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इज पुलिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेल्फ। अब कह रहा है कि हमारे यूनिवर्स में जो है हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ जो है खींचता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स को जो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमारा सेवेंथ नंबर पे है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ ए फोर्स एक्टिंग टू पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ, मतलब ग्रेविटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचने में जो भी फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। फिर एट्थ है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स, मतलब ऐसा फोर्स जो कि दो मैग्नेट्स के बीच में लगे, और बिटवीन मैग्नेट एंड ए मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर जो है मैग्नेट या जो दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल उसके बीच में लगे, तो ऐसे फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फिर नाइन्थ नंबर में है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, मतलब ऐसा फोर्स जो कि हमारे मसल्स के एक्शन के कारण लगता है उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फिर टेंथ नंबर पे है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि आपको पता है, इसमें इसके नाम से ही नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं, और ऐसे फोर्स को जो है हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फिर है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। अब कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक जो है फोर्स जो है जब एक सरफेस के यूनिट एरिया में लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फिर हमारा ट्वेल्थ पे है पुल। ए फोर्स ड्रॉइंग समवन और समथिंग, मतलब ए फोर्स ड्रॉइंग समथिंग, मतलब ड्रॉइंग समथिंग मतलब अपनी तरफ किसी को या किसी चीज़ को जो है ड्रॉ करना, मतलब अपनी तरफ खींचना इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। तो पुश क्या है? द एक्ट ऑफ पुशिंग समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ को या किसी को जो है वो
पुश करना मतलब धक्का देना इन ऑर्डर टू मूव देम अवे फ्रॉम वन सेल्फ, मतलब इस तरह से पुश करना कि वो उससे जो है दूर चला जाए, उससे दूर हो जाए, दूर जाके मूव करने लगे, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। तो अभी जो है हमने इस चैप्टर के जो है आपके साथ जो है सारे जो है कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। सारे कीवर्ड्स आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी कीवर्ड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और जो है क्लास जरूर लिखिएगा। थैंक यू।